मुस्लिम बच्चों के साथ हो रहे रेप और हत्याओं जैसी घिनौनी वारदातों के रोष स्वरूप कांग्रेस ने मौजूदा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। वहीं इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश में दिनों दिन बढ़ रही महिला विरोधी घटनाओं के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन की मांग की है। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित होशियारी लाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। राज्य में छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, एक के बाद एक गैंग रेप की घटनाएं हो रही है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है, विरोध किया है और उनका पुतला जलाया है, क्योंकि जब से सरकार बनी है तब से कानून व्यवस्था बिल्कुल फैल है। हमारी छोटी छोटी बच्चियों पे गैंग रेप किया जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बच्चियां कॉलेज में नहीं जा सकती, उनको रास्ते के अंदर किडनैप कर दिया जाता है। तब से सरकार बनी है तब से गुंडागर्दी, कानून व्यवस्था, हर चीज़ फैल हो चुकी है। न कोई विकास के काम कर रहे, न कुछ नहीं हो रहा, सब ढोंग है, कागजी बातें करते हैं। अभी बेहतर घटना के अंदर 5 बच्चियों से बलात्कार हुआ, उनका गैंग रेप करके उनकी हत्या कर दी। फरीदाबाद के अंदर, जींद के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर और पिंजौर के अंदर और पानीपत के अंदर, और आज भी फरीदाबाद में एक बच्ची की चाकू से गोंद कर गैंग रेप करके उनकी हत्या कर दी गई। सरकार कुछ नहीं कर रही। कांग्रेस पार्टी आज मांग करती है मुख्यमंत्री इस्तीफा दे और जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो, ताकि आम जनता, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे रेहड़ी वाला हो, हम अमन की शांति से रह सके। इस सरकार बनी है तब से बहुत बुरा हाल है, जनता रो रही है और सरकार सो रही है।